नमस्कार, हूँ हिरल परमार अने आप जोई रहा छो निर्भय न्यूज। गई काले राजकोट में एक क्षत्रिय समाज नू एक महासम्मेलन योजायो, जेमा गुजरात भर माथी तमाम जे क्षत्रिय समाज ना जे लोको छे ते एक ज मंच पर भेगा थया हता। लाखों की जनमेदनी उमटी पड़ी हती, जेमा ठेर ठेर क्षत्रिय आगेवानो त्या पहोंच्या हता अने भाजप ने एक ज पड़कार फेंकी रहा छे। ते कही रहा छे कि पुरुषोत्तम रूपाला नी टिकट रद्द करवामां आवे, जो रद्द करवामां नहीं आवे तो आगामी दिवसों में હવે ઓપરેશન રૂપાલા પાર્ટ 2 ની શરૂઆત થશે। તો બીજી તરફ રાજસ્થાનના ગોગામેડીના ધર્મપત્ની શીલા શેખાવત કે જે આ મહાસંમેલનમાં પહોંચવા માટે રાજસ્થાનથી નીકળ્યા હતા, પરંતુ તેઓ આ સંમેલનમાં પહોંચે તે પહેલાં જ રતનપર બોર્ડર પરથી પોલીસ દ્વારા તેમને ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યા હતા અને આ સંમેલનમાં પહોંચતા તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા। જો કે આ ક્ષત્રિય સમાજનું જે સંમેલન યોજાયું હતું તે પૂર્ણ થયા બાદ મોડી રાત્રે ગોગામેડીના ધર્મપત્ની શીલા શેખાવતને પોલીસ દ્વારા જે નજરકેદ કરવામાં આવ્યા હતા તેમાંથી તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને મુક્ત કરાયા બાદ તેમને પહેલી પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, જેમાં તેમણે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। શું પ્રહારો કર્યા છે તે સાંભળો। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, કરણી સેના જિંદાબાદ। આજ સુબહ 3 બજે કે આસપાસ હમ યહાં ગુજરાત મે પહોંચે, મગર क्षत्रिय जो सम्मेलन था कोटा में, राजकोट में उसमें आने के लिए सभी को मैंने बुलाया और मैं भी यहाँ पहुंची, लेकिन 3 बजे सरकार ने तो जैसे हमारी बातें सुनने के लिए अपने कान बंद कर रखे हैं और अपने उन नुमाइंदों को यहाँ लगा करके छोड़ दिया कि जितने भी क्षत्रिय आए उनको पकड़ो और जेल में डालो। ये जेल नीति है, इन लोगों ने हमें दबाने के लिए जेलों का प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर क्षत्रियों को दबा लिया जाएगा तो बीजेपी सरकार में इनके रूपाला को जिताया जाएगा। तो मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि रूपाला तू तो गया भाई, तू तो गया, तू कितना भी जोर लगा ले तू जीत नहीं पाएगा। तू आज इतनी घटिया जो अपनी नीति रीति अपना रहा है ना, जो सरकार तेरे साथ मिलकर के हम क्षत्रियों को मारने का काम कर रही है, हम उसको आज चेता देते हैं कि पहले भी हमने 2018 में एक नारा दिया था कि कमल का फूल हमारी भूल, मगर इस बार हमने ऐसा कोई नारा नहीं दिया था। हमने यही कहा था कि रूपाला की जगह पे किसी और को टिकट दे दीजिए, रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो हम सभी क्षत्रिय आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि नहीं, रूपाला ही चलेगा। तो रूपाला वाला जो पैसा था ना वो डाउन में चला गया, वो शेयर मार्केट में अब चलता नहीं है, तो उसको तो डाउन में डाल दिया। और मैं सरकार से और मेरे क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहूंगी कि भाइयों, आप लोग देख रहे हैं कि कभी तो पगड़ियों को लात मारी जा रही है, कभी बहन बेटियों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती थाने में डाला जा रहा है, उनकी अस्मिताओं पर गलत बोला जा रहा है, लेकिन सरकार के कान बंद है, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो हम क्यों ध्यान देंगे? हम सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम कह रहे हैं कि आज भी अगर रूपाला का टिकट किसी और को दिया जाता है तो हम साथ देंगे, लेकिन अगर रूपाला ही टिकट पे रहा तो हम उसको नामांकन भी नहीं बढ़ने देंगे, उसका जोरदार विरोध होगा। और मैं ये क्षत्रिय भाई जो गुजरात से हैं सभी, इनको कह देना चाहूंगी कि भाइयों, जितना हो सके रूपाला का विरोध करना है, उसके पक्ष में एक वोट भी नहीं जाने देना है, और वोट तो छोड़ो, नामांकन ही मत होने देना। जय माता जी की। बरनी सेना जिंदाबाद, बरनी सेना जिंदाबाद। सभी को जय माता दी। कल सुबह से जयपुर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी राजकोट के प्रोग्राम के लिए रवाना हुए। रतनपुर बॉर्डर, सांवलाजी बॉर्डर जिसको बोला जाता है, सुबह 3 बजे हमें डिटेन किया जाता है। हमें 3 घंटे तक तो यहाँ गुमराह किया गया, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस तरीके से बदलाया गया। फिर 3 घंटे बाद हमें हमारे मोबाइल लेकर के हमें डिटेन कर लिया गया। एक व्यक्ति जिसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपशब्द बोले हैं,
और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरे हिंदुस्तान में उसकी खिलाफत हो रही है। जगह जगह गुजरात के मेरे भाई तो एक साथ लगे ही हैं, गुजरात से ही सरकार चलती है, गुजरात के ही लोग विरोध में हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इस बात पर ध्यान दे दें, एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा वो नुकसान नहीं झेले। हमारे साथ जो हुआ इससे दो दिन पहले भी हमारे पदाधिकारियों को किसी की पगड़ी उठा दी, किसी की टोपी उठा दी, जबरदस्ती डिटेन किया गया। क्या हमारी आवाज़ को उठाना गलत है? हम शांतिपूर्ण तरीके से हम जा रहे थे, हमने ऐलान किया था कि हम इस आंदोलन में हमारे समाज के साथ हम खड़े रहेंगे, हमारी बहन बेटी की अस्मिता पर आवाज़ उठाई है, तो उसके लिए हमें जाना जरूरी था, हम जाएंगे। तो हमें यहाँ रोक दिया गया। मेरे गुजरात के मोड़ासा से, अहमदाबाद से, डूंगरपुर से, उदयपुर से सारे लोग यहाँ आए हैं। अभी जब इनको पता चला, हमने पूरी स्वाधीनता पूर्वक पूरी तरीके से, हमने कोई भी बात बिना तरीके से, हम चाहते थे सुबह हम लाइव आ सकते थे, हम आंदोलन को और भी तेज कर सकते थे, पर इन लोगों ने जिस तरीके से किया हम उसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और अगर उपाला जी को नहीं रिप्लेस किया गया इसका खामियाजा पूरे भारत में इनको भुगतना पड़ेगा, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। मेरे सत्रह भाइयों, गुजरात के मेरे भाइयों, आपको दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस आवाज़ को इतना बुलंद किया, इतनी ताकत के साथ आपने उठाया, तो इसका जवाब हमको अब देना है। आपके साथ पूरे भारत के राजपूत हैं, आपके साथ, आपके इशारे पे अगर उपाला जी को नहीं हटाया गया तो हम बहुत ही बुरी तरीके से विरोध करेंगे, और हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। जय माँ भवानी, जय माता।